What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 18 in the series of C language basics programming, in which we are trying to cover a new topic, that is basically string. So in this lecture we are seeing first what is a string and how to use it and how to calculate its length and some more operations on it and its some inbuilt functions. Okay, so let's start it and try to cover it from scratch. Okay, so सबसे पहले समझते हैं what is basically string. तो string होता क्या है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है. तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि a group of characters. सबसे पहले समझते हैं कि string होता क्या है. a group of characters array. ठीक, तो एक एरे है. जैसे एरे क्या होती है, ये हमारी कोई एरे है, ठीक, और जिसके अंदर अगर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करा दें, जैसे ऐसे स्टोर करा लिए आर ए एम एम ओ एच ए और उसके आगे एन, और ये हमारी क्या है, इसके अंदर देखो एक एक करके कैरेक्टर्स स्टोर हैं. तो जब कैरेक्टर्स का कलेक्शन करके एक एरे बनाई जाती है तो वो एरे क्या होती है, बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है. अब ये चीज अपन समझ लिए कि स्ट्रिंग क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एरे. नेक्स्ट चीज आती है कि स्ट्रिंग को सर हमें क्यों यूज करना है. तो स्ट्रिंग को यूज करने का सबसे बेसिक फंडा ये है कि जैसे कोई कुछ चीज़ें हमको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे हमको करनी होती हैं, उनके लेटर्स को एक्सेस करना है या उन पे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस करना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं. ओके, तो सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग लगाने से पहले थोड़ा और इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं. तो डिक्लेरेशन पार्ट होता है जो इसका, वो कैसे कर रहे होते हैं. तो स्ट्रिंग को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपली लिखना है कैर नेम, नेम के आगे ये आपका कैरेक्टर एरे बन गई और जो कि एक स्ट्रिंग है, और इसके आगे जो चीज़ हमको स्टोर करना है वो कैसे स्टोर करते हैं, जैसे यही चीज़ स्टोर करनी है तो कैसे करेंगे, जैसे आर उसके बाद फिर ए, सॉरी यहाँ पे कामा लगा लीजिएगा, कामा ए कामा एम उसके बाद फिर कामा फिर से यहाँ पे एम फिर ओ फिर एच और फिर ए और उसके बाद आता है लास्ट में एन. ऐसे करके हम लोग एक कैरेक्टर एरे को अगर स्टोर करना होता है तो ऐसे स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक. और कैरेक्टर एरे जो आपकी ये बन रही होती है, ये हमेशा याद रखिएगा ये वन डायमेंशनल होती है. क्या होती है, वन डायमेंशनल, ठीक. ये भी बात याद रखना कि जो कैरेक्टर एरे आपकी होती है बेसिकली वो वन डायमेंशनल होती है, ठीक. ये बात आप लोग याद रखिएगा. नेक्स्ट चीज आती है कि अब हम लोगों को ये समझना है कि ये चीज़ तो स्टोर किए, इसके साथ में एक चीज़ और यहाँ पे स्टोर हो रही होती, वो होता है आपका बैक स्लैश जीरो. अब ये बैक स्लैश ओ क्या होता है, बैक स्लैश जीरो जो बोल रहे हैं आप लोगों को, होता क्या है बेसिकली, वो ये बताता है कि यहाँ ये स्ट्रिंग आपकी ख़त्म हो गई है, इसके बाद आपका स्ट्रिंग में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है. ये चीज़ आप लोग किसकी मदद से समझ रहे होते हैं, ये आपका बैक स्लैश ओ जो होता है इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं अपन नल कैरेक्टर, ठीक. ये भी बात याद रखिएगा, ये क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, ठीक. ये भी हो गया. अब इसके आगे नेक्स्ट चीज आती है कि एक कैरेक्टर आपका कितनी मेमोरी में वैल्यू ले रहा होता है. तो एक कैरेक्टर आपका मेमोरी की जो वैल्यू ले रहा होता है वो एक्चुअली होती है 1 byte, ठीक. तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि एक कैरेक्टर कितना लेता है, 1 byte लेता है. और लास्ट कैरेक्टर आपका जो ये बैक स्लैश ओ है, ये क्या है बेसिकली, ये आपका सॉरी ये हमने अभी बताया आपको कि नल कैरेक्टर है. तो नल कैरेक्टर की देखो एक चीज़ और याद रखना, इसकी जो स्काई वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है 48, ठीक. और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि ये मेमोरी लोकेशन में जब इसको हम स्टोर कर रहे होते हैं तो ये भी क्या होते हैं, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं. किसमें, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक. जैसे एक एरे होती है, एरे हमारी क्या होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही होती है. सेम यही कॉन्सेप्ट इसका भी है. अब नेक्स्ट चीज इसमें जो आती है वो ये आती है
कि जैसे वन बाइट ले रहा है, तो मान लिया इसका एड्रेस अगर हो गया 625, तो नेक्स्ट वाले क्या क्या हो जाएगा 626, नेक्स्ट वाले 627, उसके नेक्स्ट वाले का क्या होगा 628, ऐसे करके आपके एक एक करके एक बाइट एड्रेस लेता है, एक एक बाइट बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो अब इसको अगर हमें मान लिया प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कैसे कर रहे होंगे, एक एक लेटर को अगर हमें प्रिंट करना है तो इसकी प्रिंटिंग कैसे हो रही होती है, ये समझ लेते हैं। तो प्रिंटिंग एलिमेंट ऑफ एन सॉरी ए स्ट्रिंग। ठीक, तो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स जैसे मान लिया एक कोई अपन एरे स्ट्रिंग डिक्लेयर किए, तो जैसे ऐसे डिक्लेयर किए कैर नेम, और नेम में क्या डाल दिए, मान लिए डाल दिए कि कोड। ठीक, इसको अगर हमें वो करना है, अगर इसको प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट करा रहे होंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली एक वेरिएबल लेना है आई, और उसके बाद कितने देखो इसमें कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, फोर कैरेक्टर्स हैं, तो फोर कैरेक्टर्स को कैसे हम लोग स्टोर कर रहे होंगे, देखो इसके लिए करना कुछ नहीं है, लिखना है व्हाइल, ठीक, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक सॉरी 4, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है, तो आई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 जब तक रहे, तब तक आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल सी, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है। ठीक, और उसके बाद क्या किस नेम से बनाए हैं, नेम से बनाए हैं, तो नेम का एक एक एलिमेंट हमारा स्टोर होता रहेगा, और उसके बाद क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाना है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट के इसके जो हैं एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले सी एक्सेस, फिर ओ को एक्सेस करेंगे, फिर डी, फिर ई, ऐसे करके हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। ठीक, और इसको एक और मेथड से अपन लोग कर सकते हैं। ठीक, तो वो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं साथ में, जो सेकेंड मेथड है इसको एक्सेस करने का, ये मान लिया आपका फर्स्ट मेथड है, तो सेकेंड मेथड क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो सेकेंड मेथड जो आपका है वो बेसिकली ये है कि यहाँ तक आपका काम सेम रहना है, उसके आगे आपको करना क्या है, जो लूप चलाना है उसमें लिखना है कि व्हाइल नेम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू क्या करना है, सॉरी यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, सॉरी हाँ, तो इसको करना क्या कैसे है, यहाँ पे फिर लिखना है आपको \0। ठीक, जैसे ये लिखेंगे इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लिख लिए, अब उसके बाद सिंपली जैसे प्रिंट किए थे अंदर वाला स्टेटमेंट वो डाल देंगे, प्रिंट एफ जो सारा स्टेटमेंट था एज इट इज, और आई की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है होगा इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे नेम में हमने कोड स्टोर किया था, तो कोड कैसे स्टोर हो रहा होगा, ये देखो ये जैसे अगर है तो सी सबसे पहले स्टोर हुआ, फिर डी सी, फिर ओ, फिर डी, फिर ई, और उसके बाद लास्ट में सबसे क्या स्टोर होता है, ये नल कैरेक्टर। तो हमको अपना लूप तब तक चलाना है जब तक कि जो हमारी आई की वैल्यू है वो क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग जो स्टोर होती है स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, उसको इस तरह से मतलब मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लिए। नेक्स्ट चीज आती है जो वो है हमारी बेसिकली कि अगर मान लिया इसको पॉइंटर की मदद से करना हो, तो पॉइंटर की मदद से कैसे करेंगे, पॉइंटर के लिए कुछ नहीं करना, इसका जो बेस एड्रेस होगा उसकी मदद से हम लोग एक्सेस कर लेंगे, वो अपन आने वाले वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे कि हमें कैसे करना है। ठीक, अब इसको एक तरह से और कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग अगर बोल सकते हैं कि सर जो आप एक कैरेक्टर एरे की मदद से करा रहे हैं परसेंटाइल सी करके, तो परसेंटाइल एस से भी तो हो जाता है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि परसेंटाइल एस की मदद से कैसे प्रिंट करते हैं और क्या अंतर आ रहा होगा। तो देखो जैसे कोई मेन फंक्शन एक बना लिए, मेन फंक्शन के अंदर क्या डाल दिए, सेम चीज़ डाल दिए, कैर नेम इज इक्वल टू कोड। ठीक, कोड डाल दिए, तो अब करना क्या है, जब कोड डाल रहे होंगे तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली प्रिंट एफ लगाना है, ये यहाँ पे सॉरी इसको इरेज कर देते हैं नहीं तो दिक्कत करेगा। हाँ ठीक, अब इसके आगे करना क्या है, प्रिंट एफ लगाएंगे
और प्रिंटेफ लगाने के बाद सिंपली लिखेंगे परसेंटाइल एस और उसके बाद क्या प्रिंट करा लेंगे, नेम की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो ये देखो क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली कैरेक्टर एरे की ना लेके पूरे आपके एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, जो उसके अंदर आप जैसे कोड डाले हैं तो कोड को पूरी वैल्यू आपकी एक साथ प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जो हम लोग कैरेक्टर एरे की मदद से करते हैं और अगर हमें एक स्ट्रिंग की मदद से वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक, ये चीज़ समझ लिए अब हम। अब इसके अंदर सर यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करना होगा, तो यूजर से इनपुट लेना इसमें भी उतना ही आसान है जैसे हर बार जो चीज़ कर रहे थे हम। जैसे मान लिया ले लिए यूजर इनपुट लेना है तो कैसे कर रहे होंगे, यूजर इनपुट, तो यूजर इनपुट के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कोई मेन फंक्शन लिए, मेन फंक्शन के अंदर सिंपली एक वेरिएबल बना लिए कैर नेम 25, उसके बाद क्या करना है प्रिंटेफ, प्रिंटेफ परसेंटाइल एस और परसेंटाइल एस में नेम। ठीक, नेम लेना है तो नेम को ले कैसे रहे होंगे ये चीज़ समझ लेते हैं। स्कैन, सॉरी यहाँ पे ये प्रिंटेफ नहीं, यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ यहीं पे इनपुट ले लेते हैं वो प्रिंट, वो यहाँ पे हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि वैल्यू दो, डायरेक्ट अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, परसेंटाइल एस लिखेंगे और यहाँ पे सॉरी इसको इरेज करके दोबारा से सही लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे परसेंटाइल एस लिख लिए, परसेंटाइल एस लिखने के बाद क्या करना है, सिंपली लिख देना है जो आपको वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू आप लोग दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनाए थे, नेम बनाए थे, तो नेम की वैल्यू हम लोग ले लेंगे कैर कैरेक्टर के अंदर इससे अगर लेना है तो। ठीक, ये हो गया, ऐसे अपन इसकी वैल्यू को स्कैन फंक्शन में ले रहे होते हैं। बस यहाँ पे डेटा टाइप जो लेना है वो डेटा टाइप बदलता है। ठीक, ये चीज़ समझ लिए। नेक्स्ट चीज आती है हमारी, वो ये है कि जैसे आप लोगों को करना है किसी का अगर इनपुट लेना है तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक, इसकी मदद से ले लिए, ये आपका फर्स्ट मेथड है। जो दूसरा मेथड होता है वो आपका एक स्ट्रिंग के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो क्या होता है गेट्स की मदद से आप नेम ले लें, एक गेट्स फंक्शन होता है, गेट्स के अंदर आप लोग लिखेंगे सिंपली नेम और उससे आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक, ये होता है एक मेथड। अब इसके बाद सर आप ये पूछ सकते हैं कि सर गेट्स की मदद से कैसे ले रहे होंगे, तो गेट्स का भी सिंटैक्स जैसे मैंने लिखा है आपको एज इट इज लिखना है और आप लोग इनपुट ले सकते हैं जो भी इनपुट आप लेना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद अगर सर इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए कोई इनबिल्ट फंक्शन है क्या, तो हाँ एक इनबिल्ट फंक्शन है, वो है आपका पुट्स लिखेंगे और पुट्स लिखने के बाद सिंपली जो आपको प्रिंट कराना है वेरिएबल वो लिख देंगे, वो आपका एज इट इज प्रिंट हो जा रहा होगा। ठीक गाइज, तो ये आज के उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक फंक्शन बता दिए और कुछ एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया स्ट्रिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इनका और यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके गाइज, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।